अभी आई थिंक टाइम आ गया है कि मुझे लगता है कि मुझे तुमको पहला क्लू दे देना चाहिए हमारी ट्रिप का. जस्ट अबाउट अ वीक लेफ्ट. वन थिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन देन कि मेक्सिको तो नहीं जा रहे. हाउ इज इट, यू वांट टू बी अ पायलट? मेरे गोदी में आना है. गोदी में आना है. सैटरडे की मॉर्निंग शुरू हो चुकी है और हम लोगों का नाश्ता आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. यूजुअली आपको पता है मेरा नाश्ता क्या होता है, वो मैं बना प्रोटीन स्मूदी पीता हूँ. टू नाश्ता किए बिना स्कूल चली जाती है. आज छुट्टी है तो वो घर पे बैठी हुई है. आज चल यूजुअली चाय के साथ क्या खाते हो तुम, कभी ब्रेड ऑमलेट खा लिया, कभी फ्रेंच टोस्ट खा लिया, कभी वो नमक पारे खा लिए, तो ये सब चीजें चलती है राइट. आज जब सुबह उठे ना तब आंचल ने पहले पूछा कि नाश्ता क्या करना है. मैंने कहा यार आज बड़ा मन कर रहा है ये खाने का. वो पता है क्या खाने का मन कर रहा है? ये देखो पोहा. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ओह यस यस यस. सेव के बिना पोहा का मजा क्या आता. ले लेता हूँ पहले. ये लो, मैंने वो टूटू के प्लेट में डाल दी थी सेव. ये रहे टूटू की. टूटू ने खत्म भी कर लिया. कितनी फास्ट हो टूटू. टूटू को पोहा बहुत पसंद. आजकल बहुत पसंद आने लग गया है. पहले नहीं खाती थी इतना, अभी शी लव्स इट. वेरी नाइस. चलो बढ़िया है. You want more? ठीक है आपको देते हैं. एंड ये तो आपको नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग ये किसने गंदा किया है. This boy. Hello. Say hi. देखो खा रहा था. Say hi. Say hi. Good morning. ये खा रहा था अच्छे से. जैसे तुम्हारा वो देखा ना बॉटल. हाँ. He's like, no, I don't want this. उसको जैसे प्रोटीन दिखा था, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो मेरा नाश्ता यहाँ पे ये है 150 ग्राम पोहा. मैं थोड़ा वजन करके खाता हूँ और ये है मेरा प्रोटीन. एंड मेरे साथ प्रोटीन कौन पीने वाला है? ऑफ कोर्स तीर तो पिएगा मेरे साथ प्रोटीन, है ना? प्रोटीन बॉय है ना. पोहा देख के तुमको ऐसी तीन मेमोरी बताओ कौन सी आती है. मेमोरी कोई भी, कोई क्या याद आता है, कौन इंसान याद आता है, या कौन सी ऐसी मेमोरी याद आती है? पहले तो निशिता आश्रय याद आती है. परफेक्ट. मेरे को भी सबसे पहले वही लोग याद आते हैं. क्योंकि दे मेक द लाइफ बेस्ट पोहा फॉर मी. दूसरा करिश्मा याद आ जाती है मुझे. अच्छा करिश्मा याद आती है. ओके. शी लव्स पोहा. ओके. तो मम्मी के हाथ का. एंड हां संडे. अब सॉरी मगरपट्टा के दिन. ओह या वो तो मुझे लगा वो तुमको सबसे पहले याद आएगा. मैं देखो मेरे साथ बिताया हुआ टाइम याद नहीं है. हेलो. हम जब पुणे रहा करते थे और मगरपट्टा में रहते थे तो वहां पर हम लोगों को वो डीसी था ना उसका नाम, वहां पर इतने अमेजिंग पोहा मिलते थे. ओ माय गॉड. मतलब वो ऐसा लगता था कि वो पोहा के ऊपर प्याज डालता था एंड देन फिर उसके ऊपर सेव डालता था. इतना टेस्टी बनाता था वो पोहा को. तो जो भी मगरपट्टा में रहता है अगर ये चैनल देखता है, वाकड़ वाले पोहा भी हम जब वहां रहते थे, अमेजिंग पोहा, अमेजिंग. अपने घर में तो संडे को बनता था. यस. शादी के बाद व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग विद यू ऑल, मुझे देखा एवरी संडे पोहा बनता था. और वो स्टेपल डाइट सब लाइक इतना भर के पोहा खाते थे सब लोग कि लंच ही पोहा आता था. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच. कभी कभी तो ऐसा होता था इतना बच भी जाता था कि हमको शाम को भी नाश्ते में चाय के साथ हम पोहा खा रहे. इतना सारा कढ़ाई भर के पोहा बनता है हमारे घर में संडे संडे को. और वो तभी मैंने इनका नाम दिया था, ये स्टेपल फूड है संडे का हमारे. मैंने यहाँ पर सारे पीनट्स अलग कर दिए क्योंकि मेरे पास कौन बैठा हुआ है, पीनट का चोर. ए उठा उठा के खा रहे. एक 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 पीनट उठाता है. एंड इज ईटिंग. टिकी नाइस. यू लाइक इट? व्हाट इज इट? क्या है वो? मेरे को एक भी पीनट खाने नहीं दे रहा है. यहाँ पर सब अलग कर दिए मैंने और वो खा रहे हैं यहाँ पे. आलू भी खा रहा है. आलू भी चाहिए आपको? आलू चाहिए? आलू पसंद नहीं करता है. हाँ. He likes peanut. आलू उसको लगता है ये फैट से मैं नहीं खाऊंगा. क्या मौसम का हाल है. देखो आई अग्री, ये भजिया खाने वाला मौसम है और हमने अभी खाया है पोहा, पेट भर के खाया और बहुत बढ़िया बना था आंचल. थैंक यू. बहुत टेस्टी बना था. खैर मैं मौसम के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बुरा मौसम है, बहुत ज्यादा बारिश है तो ठंडा हो गया टेम्परेचर बहुत. एंड आज पूरा दिन ये ऐसा ही रहने वाला है. इनफैक्ट आज नहीं, आने वाला ये पूरा हफ्ता ऑलमोस्ट 3 या 4 दिन ऐसा ही रहने वाला है ना, अप अंटिल वेंसडे तक यही हाल है. और दूसरी चीज ये कितना कंफ्यूजन चल रहा है. देखो आज वापस से वो दिन आ गए जब मेरे को एसी बंद करनी पड़ रही है बिकॉज मौसम बाहर है 13 डिग्री, कभी जा रहा है 28, 30, 32 डिग्री तक, तब हम एसी चालू कर रहे हैं. आज ठंडी लग रही है लिटरली घर में. तो मैंने सोचा चलो यार ये आपको बता दूं कि ये हो गई एसी बंद. अंदर का टेम्परेचर हमने मेंटेन किया हुआ है 24 है. आई थिंक हम लोग हमेशा 24 मेंटेन करते हैं ना. हाँ. चाहे हीटर चलाना हो या चाहे हम लोगों को एसी चलानी हो. मजे की बात बताता हूँ आपको. टूटू जो है उसको इतना बड़ा शौक चढ़ा है, वो अपने बाल बांधने की कोशिश कर रही है, वो खुद सीख रही है. पहले उसको मम्मा ने काफी देर सिखाया एंड अब वो खुद कोशिश कर रही है. कितने अटेम्प्ट कर लिए आपने? आई थिंक 5 और 6 अटेम्प्ट्स यू ऑलरेडी डन.
ओह माय गॉड, वेरी नाइस एंड सी, धीरे धीरे करके यहाँ ऊपर तक पहुंची है, कोशिश कर रही है, सीख रही है, मतलब कुछ ना कुछ। आपको मौसम के बारे में बताया तो मेरे को अचानक याद आया कि मैंने गाड़ी का चार्जर निकाला ही नहीं है, रात भर चार्जिंग पर रखी हुई थी एंड बारिश में खराब हो जाएगी, तो इसलिए फटाफट मैं आ गया चार्जर निकालने के लिए। हर बार जैसे मैं बताता हूँ, आई डोंट वांट कि यार फालतू में खराब हो जाए एंड देन फालतू के खर्चे हो, है ना, क्योंकि ये एक चार्जर आई थिंक अराउंड $400-500 का तो आता ही आता है, जहाँ तक मुझे पता है, या उससे ज्यादा ही आता है। कितने साल हो गए पता है मैं बारिश में भीगा हूँ ऐसे, आई डोंट आउच तो कांटे वाला झाड़ है पूरा यार, इसको काटना पड़ेगा, ये बहुत ही गंदा, ये देख रहे हो ये वाला, इसमें देखो छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं, ये मेरे हाथ में छुपा इतनी जोर से, तो बाप रे, वही मैं बता रहा था कितने साल हो गए, मुझे याद नहीं है कि मैं बारिश में भीगा हूँ। मज़ा भी आता है लेकिन इस कंट्री में ठंडी भी बहुत लगती है बारिश में भीगने में, क्या पता क्या है इस कंट्री के पानी में ही क्या है। एंड मैंने सोचा मैं आपको अपडेट दे दूँ टूटू के रूम की, और मेरे को एक बहुत स्पेशल चीज़ दिखानी थी। अब देखो जैसे वेदर बाहर खराब है, बारिश हो रही, तो हम लोग कहीं बाहर कहीं जा नहीं पा रहे हैं, बट थोड़ी देर में वेदर सुधरेगा तो हम शायद बाहर जाएंगे, अभी तो कुछ और नहीं है, प्लान नहीं है, बट हाँ बाहर खड़े रह के कुछ काम करने का प्लान जरूर है, और घास काटने का नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था इसका रूम क्लीन करना, आई डोंट थिंक हम कर पाए हैं क्लीन। सो ये रहा देखो टूटू का रूम, यहाँ पे स्लाइड वगैरह, यहाँ से इतना सारा सामान था सब हटा दिया, ये नीचे का फ्लोर हमने उस दिन क्लीन किया था लेकिन फिर से थोड़ा गंदा हो गया है, ये उसके कपड़े जो कबर्ड पर जाने हैं वो अभी बचे हुए हैं, बट अगर आप यहाँ पर देखो ऊपर एक बैग है, नीचे दूसरी बैग है, और ये तीन बैग, यू नो टोटल हमने जंक निकाला है जो हमको डोनेट करना है, मतलब जंक नहीं बोलूंगा, मतलब जो भी है जो ये यूज नहीं करती है, बुक्स जो है इसने पढ़ लिए हैं, जो कपड़े इसको छोटे हो गए हैं, वो सारी चीजें वो हमने निकाल के उसमें रखी हुई है। हाँ सम टॉयज, जो टॉयज हमने इसको बोला था कि अभी आप डोनेट कर दो, तो वो निकाल के रखा हुआ है इसके अंदर। इसके डेस्क पे अभी भी हमने क्लीन नहीं किया है, अभी भी बचा हुआ है ये, और ये कुछ ऐसा लुक है अभी फिलहाल। कबर्ड इसकी जरूर क्लीन की है हमने, ये कर दिया है अरेंज समर के लिए, तो यहाँ पर सारे समर क्लोथ्स हैं उसके, ये यहाँ पर सारे जीन्स एंड सारी चीजें रखी हुई है, तो ये दो रैक जो हमने की थी कर दी है, तीसरा ये वाला रैक, ये वाला एंड सबसे ऊपर वाला, ये तीन अभी भी बचा हुआ है। और मम्मा ने आपको क्या बोला था? आप लोगों ने कभी इसके टेंट के अंदर देखा है कि क्या है, मैंने सोचा चलो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि इसके टेंट के अंदर क्या है, बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल है। You did it all by yourself. पूरा इसने डेकोरेट किया। चलो अंदर चलो दिखाओ। So, अभी अगर आप देखो ये टेंट के अंदर हम आ गए। Wow, see this. यहाँ पे इसके इतने सारे टॉयज हैं। यहाँ पे इसका एक बारबी हाउस है, इतना प्यारा बारबी हाउस बनाया हुआ है इसने। यहाँ पे कुछ इसके क्राफ्ट पेपर्स है। सर्जरी रूम, ये सर्जरी रूम, स्टॉप स्टॉप, what is this? देखो उसके कुछ आर्ट वर्क है, ये उसका रेनबो चार्म्स एंड ये है उसका पियानो जो कभी कभी बजाती है बैठ के, एंड यहाँ पे जो उसने साइंस प्रोजेक्ट बनाया था स्कूल में कल, एंड ये उसका सारे गिफ्ट्स हैं, तो बहुत ही क्यूट सा जगह है। एंड यहाँ पर पहले ना ये देखो, अगर आप ऊपर देख रहे हो ये लाइट लगाई हुई है, पहले ये लाइट नहीं थी, पहले ये रूम ऐसे इतना अंधेरे में रहता था, देखो कुछ नहीं दिखता था, एंड देन फिर आंचल ने ये मंगाई लाइट, तो इसके रूम में इतनी सारी लाइट हो गई है यहाँ पे टेंट में, तो यहाँ पे बैठ के खेलती है ना, बहुत ही क्यूट है इसका ये अंदर से टेंट, इसने बहुत अच्छा अपने लिए प्ले एरिया बना के रखा हुआ है, एक स्पेस बना के रखा हुआ है, जहाँ वो यूजुअली खुश होती है तो अंदर जाती है, दुखी होती है तो भी अंदर जाती है, जब उसको ऐसा लगता है कि हमने अगर उसको गुस्सा कर दिया है, उसको अकेले रहना है, उसको यू नो अलोन टाइम चाहिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा है अलोन टाइम का कि चुपचाप बैठ जाना है, तो वो अंदर जाके बैठ जाती है, तो ये उसने बहुत ही क्यूट डेकोरेट किया हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था, ये दिखाया था, तो मैंने सोचा यार दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं आपको दिखा दूं कि ये ऑलमोस्ट पिछले एक डेढ़ घंटे से अंदर ही बैठ के खेल रही है, हम नीचे उसको बार बार बुला रहे, बोल रही नहीं आई एम प्लेइंग, हमने कहा ठीक है हम देखें क्या है, मैंने ऊपर आके देखा, मैंने देखा इतना ब्यूटीफुल डेकोरेट किया हुआ, मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करता हूँ, ठीक है चलो।
वाला हूँ आंचल को सबसे पहला क्लू हमारी आने वाली ट्रिप का। आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया, मैंने आज वैक्यूम लेके गाड़ी को साफ करने का क्यों प्लान किया। तो जैसे मैंने बताया, मैं आंचल को बताने वाला हूँ आज पहला क्लू जो आने वाली ट्रिप है, जिसके बारे में मैंने आई थिंक अब तक वीडियो देखी ली होगी। अगर नहीं देखी होगी तो मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा उसको, जिसमें मैं आंचल को सरप्राइज दे रहा हूँ एक ट्रिप का, और कहाँ ले जा रहा हूँ, कैसे जा रहे हैं, वो सारी डिटेल्स मैंने उसके साथ शेयर नहीं की थी। तो आज मैं उसको बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है सबसे पहला क्लू, ताकि उसको हल्का फुल्का गेस करने का मौका मिले कि हम जा कहाँ रहे हैं। अब उसको बताने के लिए कि हम कैसे जाने वाले हैं, मैंने सोचा सबसे पहले मैं गाड़ी वैक्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को गाड़ी में एक बहुत ही जरूरी चीज़ करनी है। वैक्यूम तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ तीर्थ की कार सीट भी चेंज करनी है। बाय नाउ आपको अंदाजा तो मिल ही गया होगा कि हम लोग कहीं ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आंचल को अब तक कोई क्लू नहीं है। सो आंचल को बताएंगे थोड़ी देर में। अभी मैं पहले वैक्यूम कर लेता हूं, उसके बाद मैं तीर्थ की न्यू कार सीट जो आ गई है वो इंस्टॉल कर देते हैं, एंड देन उसके बाद आंचल को आराम से बैठ के बताएंगे कि चल क्या रहा है मेरे दिमाग में और हम जा कहां रहे हैं। नॉट एग्जैक्टली हम जा कहां रहे हैं, बट हम जा कैसे रहे हैं। एंड आगे की सीट्स हो गई डन, सारा वैक्यूम कर दिया, सीट्स भी और नीचे फ्लोर भी। एंड यहाँ पर मैंने तीर्थ की कार सीट निकाल के रख दी है, ये उसका कार सीट का जो बेस है ये मुझे निकालना है। लेकिन एक लुक देख लो, इतनी ज़्यादा गंदी पड़ी है गाड़ी अंदर से, बिकॉज सबसे ज़्यादा गंदा होता है पीछे का सीट, क्योंकि बच्चे जो है वो यहाँ पर बैठ के खाते पीते रहते हैं कभी भी, यूजुअली भी अगर हम लॉन्ग ट्रिप पर नहीं जा रहे होते हैं तो भी, लेकिन अगर कहीं हम टोरंटो भी जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं आसपास, उनको खाने पीने के लिए होता है, तो ऑफकोर्स यार बच्चे की गाड़ी तो गिरती ही है, गंदी होती है। आगे के मेरे को साफ करने में लगे आई थिंक 10 मिनट, अब पीछे का मेरे को आई थिंक ज़्यादा टाइम लगेगा, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, बट ये पीछे का साफ करेंगे। एंड देन उसके बाद ये है एक मल्टीपर्पज़ क्लीनर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, जब गाड़ी पूरी वैक्यूम हो जाएगी उसके बाद में मैं इसको स्प्रे करके पूरी तरह से सीट्स को वाइप डाउन कर लूँगा। अलॉन्ग विद दैट, ये अगर आप देख रहे हो, ये मैंने कार के मैट्स भी निकाल के रखे हुए हैं, ये ब्रेक पेडल और एक्सीलेटर पेडल का जो कवर है उसको भी साफ करूँगा। काश हम जिंदगी के सारे मेहनत वाले कामों को ऐसे ही टाइम लैप्स पे फटाफट कर पाते थे तो लाइफ कितनी इजी होती थी। जितना आपको लग रहा है कि 10 15 20 सेकंड लगा होगा, इतना नहीं लगा टाइम लैप्स में, ऑलमोस्ट एक घंटा लग गया है मेरे को गाड़ी पूरी साफ करने के लिए। पहले पूरा वैक्यूम किया, उसके बाद इंटीरियर क्लीनर से क्लीन की सारी सीट्स, एंड देन उसके बाद मैंने पॉलिश किया, अब उसमें भी बहुत भारी सीन हो गया। अब देखो जैसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, ये कुछ फाइनल लुक है, पहले देख लो। सो ये एकदम क्लीन सी हो गई है गाड़ी, एंड यहाँ पर भी देखो एकदम क्लीन, द फ्लोर इज क्लीन, द सीट्स आर क्लीन। बस खाली एक ही पंगा हो गया था, वो ये हुआ था कि जब मैं पीछे की सीट्स को मैं मल्टीपर्पज़ क्लीनर से साफ कर रहा था, तो मेरा जो मल्टीपर्पज़ क्लीनर है ये ख़त्म हो गया। तो फिर मैं बोला अभी क्या करूँ, आगे की सीट्स बची हुई है, तो आगे की सीट्स को मैंने साफ़ किया है इससे, तीर्थ के वाइप से। लेकिन बाद में फिर ऐसा हुआ कि मेरे को लगने लगा कि यार मैंने ना तीर्थ का डायपर ना कार में चेंज कर दिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो वेट वाइप्स की स्मेल आने लग गई। तो मैंने कहा कुछ तो उसका जुगाड़ करना पड़ेगा, तो फिर फाइनली मेरे को ये इंटीरियर प्रोटेक्टेंट यूज़ करना पड़ा, जिसकी बहुत ही मस्त स्मेल है, तो वो अभी अच्छी अच्छी स्मेल आ रही है गाड़ी में से, तो अच्छा लग रहा है। पूरी तरह से साफ हो गई गाड़ी, अब मुझे इंस्टॉल करनी है कार सीट्स। उसके पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखो ये जो होता है ना ये वाला सेक्शन, ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है, नॉट ड्राइवर साइड बट यहाँ पे जहाँ से टूटू चढ़ती है, तो वो आई थिंक कितनी बार ऐसा होता है जब मैं देखता हूँ ना कि वो गंदा होता है, मेरा मन करता है कि उसको साफ़ कर दूँ, लेकिन वो टूटू मुझे पता है अगले दिन फिर चढ़ने वाली है तो वो गंदा हो जाता है। आज मैंने उसको साफ़ कर दिया, एंड अब मेरा ऐसा होगा ना कि मैं किसी को भी चढ़ने के टाइम पर ना 10 बार टोकूंगा कि भाई प्लीज़ ज़रा संभाल के चढ़ना, वहाँ से वहाँ पे पैर मत देना पड़ा। आई अंडरस्टैंड टूटू की हाइट भी शॉर्ट है, मतलब गाड़ी में चढ़ने के लिए गाड़ी थोड़ी ऊपर है तो वो कैसे चढ़ेगी, सो वो पैर रख के चढ़ेगी तो वो एक दिन में ख़राब हो जाएगा, बट मैं थोड़ा क्रैंकी हो जाता हूँ। एंड एट दी एंड अगर आप देखोगे जब गाड़ी पूरी साफ़ हो जाती है, कितने मैन रिलेट कर सकते हैं, ये एक थेरेपी लगती है गाड़ी अपनी साफ़ करना, उसको पॉलिश करना, एंड एंड में उस गाड़ी को ऐसे बैठ के घंटों घंटों निहारना कि भाई क्या गाड़ी साफ़ की है। इट्स अ थेरेपी फॉर मोस्ट मैन, इफ़ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज मैन लाइक बटन दबा दो यार, ताकि मुझे पता चले कि कितने मैन हैं जिनको अपनी कार क्लीन करना और चमकाना और उसको बैठ के घंटों भर देखना बहुत अच्छा लगता है। ये आप जो कार सीट देख रहे हो ये है बड़े बच्चों की कार सीट, एज 2 साल के बच्चों की जो है, वहाँ से लेके आई थिंक 10, 12, 15 साल के बच्चे भी ये यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज मैं आपको दिखा देता हूँ डिफरेंस, ये जो थी इसकी कार सीट ये बेसिकली थी इसकी इन्फेंट कार सीट जो सिर्फ 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं, वर्सेज ये वाली जो कार सीट जैसे मैंने आपको बताया इसमें 10 different positions है, सो ये काफ़ी बड़ी है, इसमें जगह भी ज़्यादा है, अगर आप देखोगे बैठने की जगह ज़्यादा है, एंड देन रिक्लाइन भी ज़्यादा होती है। तो ये मंगा लिया था हम लोगों ने, तो अभी ये मैं इंस्टॉल करूँगा,
मैक्सिमम 5-10 मिनट लगेंगे इसको इंस्टॉल करने में। एंड उसके बाद मैंने अमेजोन से दो चीज़ें मंगाई हुई है जो हमको हेल्प करेगी इस लॉन्ग ट्रिप के लिए, जो मैंने आजकल को नहीं बताया था, मैंने छुपा के रख दिया था, तो वो मैं ओपन करके उसको इंस्टॉल कर दूंगा फटाफट से, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंस्टॉल करने के लिए। वो करने के बाद फिर मैं आजकल को बुलाऊंगा बाहर एंड फिर मैं उसको बताऊंगा कि हम ट्रैवल किस तरह से कर रहे हैं एंड फिर देखते हैं कि उसका क्या अजम्पशन है, क्या गैसेस है, कि उसको क्या लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने लगा दिया है, सो बेसिकली ये क्या है, ये एक बीच में बेड बन जाता है, ये देखो। तो यहाँ पर अगर टूटू को पैर रखना होगा और सोना होगा तो काफी इजी हो जाएगा। सो सब कुछ सेट कर दिया है, अभी जाके आंचल को बुलाते हैं, बताते हैं उसको कि क्या क्या मैंने प्लान किया। दो चीजें और लगाई है, मैं दिखाता हूँ आपको भी। आंचल आ जाओ, कुछ काम है तुम्हारा, जल्दी आओ, मैं बताता हूँ तुमको, आओ आओ। सो अभी आई थिंक टाइम आ गया है कि मुझे लगता है कि मुझे तुमको पहला क्लू दे देना चाहिए हमारी ट्रिप का। देखो अभी एग्जैक्टली एक हफ्ता बचा है, ठीक है, एग्जैक्टली एक हफ्ता बचा है, आज है 25 तारीख और हम लोग निकल रहे 31 को। सो एक हफ्ता बचा है, तो मैंने सोचा मैं तुमको पहला क्लू दे देता हूँ कि तुमका सोच रहे होगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या है वगैरह वगैरह। सो मैंने सोचा कि तुमको सबसे पहले ये मैं बताता हूँ कि हम जा कैसे रहे हैं, और जा कैसे रहे हैं उसके लिए मैं तुमको लेके आता हूँ यहाँ पे, यहाँ आओ। ये मैंने सेटअप कर दिया है, ये देखो मैंने ऑर्डर कर दिया था अमेजोन से, ये एक लेटने के लिए या बैठने के लिए जगह है। ओके, एट द सेम टाइम आगे आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, हम ड्राइव कर रहे हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पहले एक और चीज है जो कि है, यहाँ बैठो, जाओ बैठो। अगर ड्राइव करते करते तुमको नींद आ रही है, बहुत थकावट हो रही है, तो यू डोंट हैव टू वरी, मैंने उसका भी इंतजाम करके रखा हुआ है कि तुम आराम से सो सकते हो, तुम गिरोगे नहीं, इट्स सॉलिड है यार, ये सही है, ठीक है, एडजस्ट भी हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाएगा। एंड मैंने अपने लिए, एग्जैक्टली मैंने अपने लिए ये भी मंगा लिया है, सबके लिए कुछ कुछ है, सबके लिए कुछ कुछ है, क्योंकि देखो तीर्थ के लिए न्यू कार सीट, तुम्हारे लिए ये, टूटू के लिए मैंने वो बेड जैसा मंगाया है, और मेरे लिए वो है। सो कंफर्टेबल आगे नहीं उनको, नहीं वो मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा हो जाएगा ठीक। तो मतलब कार से जा रहे, तो मतलब US जा रहे हैं, जरूरी नहीं है, हम कनाडा भी जा सकते हैं, जरूरी कैसे क्यों लग रहा है कि US जा रहे हैं, हम कनाडा भी जा सकते हैं, हम US इधर ही है ना, US बॉर्डर इधर, लेकिन हम मंट्रियाल, क्यूबेक यहाँ भी तो जा सकते हैं, मंट्रियाल तो हम गए हुए हैं, ठीक है, मंट्रियाल तो नहीं जाएंगे, लेकिन वन थिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन देन कि मेक्सिको तो नहीं जा रहे हैं। हाँ मेक्सिको तो नहीं जा रहे क्योंकि हम फ्लाई नहीं कर रहे, सो ये तो चलो पता चल गया सभी लोगों को कि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, इनको तो पहले से ही पता चल गया था क्योंकि मैं इतनी देर से जो लगा हुआ हूँ प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, तो तुम रिकॉर्ड भी कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, अच्छा। हाँ तो मैं, इनको तो सबको पता है कि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, आज ही पता चला, तुमको अभी पता चल रहा है कि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो बस तुम अभी गेस करो और मुझे बताओ कि कहाँ जा सकते हैं, और कहीं भी हो सकता है, अमेरिका, 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 नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, तीर्थ कोई बात नहीं, नॉट नेसेसरी। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा, तुमको शायद अगर तुमको याद हो कि ना याद हो, मेरा बड़ा मन था क्यूबेक जाने का, मॉन्ट्रियल तो मैं गया हुआ हूँ, हम सारे गए हुए हैं, क्यूबेक जाने का मन था, तो शायद मैं तुमको क्यूबेक ले जा रहा हूँ, क्यूबेक में तो है मॉन्ट्रियल, ओ क्यूबेक सिटी, क्यूबेक सिटी, क्यूबेक सिटी हम नहीं गए हुए हैं, तो शायद हम वहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं वो तुम अभी सोचो। एक हफ्ता बचा, एक हफ्ता भी नहीं बचा है, कितने 5 दिन बचे हैं, तो बस तुम मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, 5 दिन, इट्स फ्राइडे, फ्राइडे के दिन पे निकल रहे हैं, सो जस्ट अबाउट अ वीक लेफ्ट। एंड एटलीस्ट आज मैंने तुमको पहला बता दिया है कि, अभी तुम सोचते रहो बैठ के, मैंने तुमको पहला बता दिया है कि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो कपड़े भी बताओ, बताऊंगा ना धीरे धीरे, कल बताऊंगा, वो कपड़ों का बात कल आएगा, ठीक है, ऑल गुड, चलो बढ़िया, आप सोचते रहो, ठीक है गाइस, आई थिंक आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट टू डू, प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर करिए आप अपने किसी एक फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारी डिटेल्स धीरे धीरे पता चल जाएगी, अगर आपने कुछ गेस किया है तो डेफिनेटली जाके कॉमेंट्स में जाके बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं, आप गेस कर सकते हैं, थोड़े दिन में तो पता चल ही जाएगा, मैं रिवील कर ही दूंगा कहाँ जा रहे हैं, एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ। Stay safe. Stay safe. Stay safe. Stay safe. Stay safe. Stay safe. Stay safe.